हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बाइक्स में होने वाली आवाज़ों के बारे में। काफ़ी सारे जो मेरे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, वो इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि जो उनकी जो बाइक के इंजन में आवाज़ आती है, कोई कहता है टैपेट की आवाज़ है, कोई कहता है टाइमिंग चेन की आवाज़ है। तो फ्रेंड्स, उसको जो डायग्नोस कैसे करें। सबसे पहले जो कॉमन जो आवाज़ होती है, लोग सोचते हैं कि टैपेट की आवाज़ है, इसलिए वो क्या करते हैं कि आपको अपने टैपेट खोलने लगते हैं, टैपेट को सेट करते रहते हैं, और उनके टैपेट टाइट करने के बाद जो है तब भी आवाज़ नहीं जाती। तो फ्रेंड्स, उसमें होता क्या है, देखिए सिम्टम्स क्या हैं, उसको पहचान कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। अगर आपकी गाड़ी गर्म होने के बाद, अगर आपकी गाड़ी में इंजन गर्म होने के बाद टिक टिक की आवाज़ कम हो जाती है, तो फिर वो टैपेट की आवाज़ हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी में ठंडी में भी उतनी ही आवाज़ है, टिक टिक की आवाज़ उतनी ही है, और गर्म में भी उतनी आवाज़ है, तो आपकी गाड़ी में वो टैपेट की आवाज़ नहीं होगी। क्योंकि टैपेट जो होते हैं, जो हमारे वाल्व टैपेट का जो क्लियरेंस होता है, यानी उसमें जो गैप होता है, वो इंजन गर्म होने के बाद वो गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो टैपेट की आवाज़ है वो कम हो जानी चाहिए। गर्म होने पे गाड़ी में आवाज़ कम हो रही है तो ही वो टैपेट की आवाज़ है, अदरवाइज टैपेट की आवाज़ नहीं है। आइए उसके बाद बात करते हैं टाइमिंग चेन की। टाइमिंग चेन की आवाज़ कई लोग कहते हैं उसमें किरकिर की आवाज़ आती है, तो रगड़ने की आवाज़ आती है उसमें, किरकिर की आवाज़ आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो गाड़ी के इंजन की टाइमिंग चेन की आवाज़ है वो किरकिर करके ही आए, क्योंकि जो टाइमिंग चेन है वो झटके भी मारती है। तो जितनी बार भी इसका जो आपका जो कैम शाफ्ट होती है वो घूमती है, उतनी बार ही जो आपकी टाइमिंग चेन है वो ऊपर नीचे ऐसे झटके मारती है। तो हर स्ट्रोक पे आपकी टाइमिंग चेन ऐसे झटके मारती है। आपने देखा होगा, अगर आपने जो उसका टाइमिंग जो आपकी स्प्रॉकेट होती है, कैम की स्प्रॉकेट होती है, अगर उसको खोल के देखा होगा उसमें ध्यान से, तो उसमें क्या होता है, वो टाइमिंग चेन ऐसे ऐसे हिल रही होती है, हर स्ट्रोक पे ऐसे ऐसे हिलेगी, तो उसकी वजह से भी टिक टिक की आवाज़ बन जाती है। तो अगर किसी भी बंदे ने टाइमिंग चेन नहीं, न्यू टाइमिंग चेन डलवाई है लास्ट में, अभी रिप्लेस करवाई है, फिर भी उसकी बाइक में आवाज़ टिक टिक की आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है वो टाइमिंग चेन की आवाज़ हो, वो आपके जो टाइमिंग चेन का टेंशनर होता है उसकी आवाज़ भी, उसकी वजह से भी आवाज़ हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि जो टाइमिंग चेन का टेंशनर होता है वो क्या करता है, वो एक वाल्व की तरह काम करता है, तो वो उस पर टाइमिंग चेन पे पूरा दबाव बना के रखता है। अगर आपके वाल्व चेन जो आपकी टाइमिंग चेन का टेंशनर है, अगर वो आपका जो अगर वो ख़राब होगा, तो वो पूरी तरह से टाइमिंग चेन के टेंशनर को नहीं दबा पाएगा और उसको टाइट नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से जो टाइमिंग चेन है वो ऊपर नीचे हिलेगी, चाहे बेशक से आपने टाइमिंग चेन को चेंज करा दिया हो, तो आपको टेंशनर को भी उसको चेंज कराना पड़ता है। दूसरी बात, इन बाइक्स के मैं बारे में बता रहा हूँ जिसमें इस तरह का इंजन होता है, 100 cc वाली बाइक्स में, उसमें क्या होता है कि जो टाइम आपका टेंशनर की रोड होती है, एक उसमें एक छोटी सी बॉल भी होती है, एक बॉल बेयरिंग भी डली होती है उसके अंदर, वो वाल्व का काम करती है। मैंने एक पुरानी वीडियो में भी इसके बारे में बताया है कि आप उसे कैसे उसके बारे में कैसे आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं, तो उसमें मैंने बताया, आप पुरानी वीडियो मेरे वीडियोस के कलेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक टॉप पे रबड़ लगी होती है, रोड के ऊपर एक टॉप में रबड़ लगी होती है, वो रबड़ भी कट के गिर जाती है। तो आपको ऐसे कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने उसको हर 10,000 किलोमीटर पे उसकी रबड़ को चेंज जरूर करना चाहिए। और मेरी माने तो आप हर सर्विस पे हर 3,000 से लेकर 5,000 पे उस रबड़ को जरूर चेंज कराएं। अगर वो आसानी से बाहर निकल आती है रोड, तो उसको हमेशा रबड़ को जरूर चेंज कराना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी कट जाती है, और कटने से वो टेंशनर जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से आपकी टाइमिंग चेन पे लोड नहीं डाल पाता, उसको टाइट नहीं रख पाता है, उसकी वजह से भी टिक टिक की आवाज़ आती है। तो दूसरी आवाज़ होगी आपकी टिक टिक की। तीसरी आवाज़ मैंने एक वीडियो में और बताया था कि टिक टिक की आवाज़ आती है, तो वो पिस्टन जो है आपके सिलेंडर के अंदर, आपका जो पिस्टन होता है सिलेंडर के अंदर, वो ऐसे आगे पीछे चलता है। आपको सबको पता होगा ये आपका सिलेंडर है, इसके अंदर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलता है, आपका जो पिस्टन होता है ऊपर नीचे जाता है।
तो अगर ऊपर नीचे जाते वक्त तो वो कंप्रेशन बनाएगा, पर क्या होता है सिलेंडर जैसे जैसे घिसता चला जाता है तो उसके वो जो पिस्टन है वो थोड़ा सा ऊपर ऐसे ऐसे भी हिलने लगता है, सिलेंडर के अंदर भी हिलने लगता है। तो जब वो सिलेंडर के अंदर हिलता है लास्ट में, आपको कंप्रेशन आपका सही रहेगा, आपका जो इंजन है वो अच्छी परफॉर्म भी कर रहा होगा, पर आपकी गाड़ी में टिक टिक की आवाज़ नहीं जा रही होगी। तो वो लास्ट में पिस्टन के नीचे स्कर्ट्स होती हैं, पिस्टन के नीचे दो कोने होते हैं, वो क्या होते हैं वो इंजन के अंदर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे टकराते हैं, उससे भी टिक टिक की आवाज़ बन सकती है। तो अगर आपको वो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं ये पता करना हो तो आपको क्या करना है, एक स्क्रू ड्राइवर लेके एक पेचकस लेके उसके उस पेचकस को यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे लगाना है, जहाँ भी आप उसको लगाना चाहें लगा सकते हैं, और उसके मोटे वाले हिस्से में यानी उसके हैंडल पे आपको कान लगा के सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगी जहाँ से भी आवाज़ बन रही होगी वो आपको साफ सुनाई दे जाएगी। बिल्कुल एक तरह से जैसे डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है, सेम उसी तरह से उसमें आवाज़ आपको इंजन के अंदर तक की आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई देगी। अब कुछ उसके बाद आता है आपकी जो क्रैंक की आवाज़। अब क्रैंक की आवाज़ जो होती है उसकी खासियत क्या है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि जब आप आपकी गाड़ी आइडल कर रही होगी तो उसमें खड़खड़खड़ की आवाज़ आएगी, उसमें टिक टिक की आवाज़ भी आ सकती है और खटखट की मतलब हैवी आवाज़ भी आ सकती है उसके अंदर। तो अगर आपकी गाड़ी में खटखट की भी आवाज़ आ रही है, और उसकी पहचान क्या है, जैसे ही आप थोड़ा सा एक्सेलरेटर देंगे, जैसे ही आप थोड़ी सी रेस देंगे गाड़ी को, तो आवाज़ गायब हो जाती है, वो आवाज़ चली जाएगी। और आइडल पे सिर्फ आवाज़ आ रही है और रेस देने पे आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपका जो क्रैंक शाफ्ट है वो कट गया है, वो घिस गया है। अभी एक थोड़ी कुछ दिन पहले पिछली वीडियो में भी मैंने क्रैंक शाफ्ट के बारे में डिटेल में बताया है कि उसमें किस तरह की आवाज़ें हो सकती हैं, तो उसमें भी मैंने टिक टिक की आवाज़ को मैंने बताया है। तो दो तीन व्यूअर्स हैं मेरे जो बोलते हैं कि टैपेट की में से आवाज़ आ रही है या मेरे क्रैंक शाफ्ट में से आवाज़ आ रही है या कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप उस तरह से आप उसको डायग्नोस कर सकते हो। तीसरी बात ये कि क्या था कि जब मेरी बाइक में जब टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम थी, टेंशनर उसका ख़राब था, तो मैंने उसकी टाइमिंग चेन चेंज कर दी थी, पर उसमें भी उसके बाद भी उसमें वो जो टाइमिंग चेन थी वो इंजन में रगड़ खा के चलती थी। उसको करने के बाद भी उसमें जब मैंने उसके क्या कहते हैं उसके टेंशनर पे ध्यान दिया, टेंशनर रोड पे ध्यान दिया, तो वो काम ढंग से नहीं कर रही थी। उसको मैंने दबा के देखा तो वो नीचे जा रही थी, जबकि ऑयल डलने के बाद इंजन ऑयल डलने के बाद वो नीचे नहीं जानी चाहिए। जितनी बार आप उसको दबाओगे ऊपर नीचे दबाओगे उतनी टाइट होती चली जाती है वो, तो ये उसकी पहचान है। तो फ्रेंड्स, जब आप स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस को आप लगा के अगर टैपेट की आवाज़ है तो टैपेट की आवाज़ है तो आपको इसके जो आपकी जो वाल टैपेट की आवाज़ है वो आपको हेड पे सुनाई देगी या इस साइड में सुनाई देगी, यहाँ पे सुनाई देगी अगर आपकी टैपेट की आवाज़ है तो। अगर आपके टाइमिंग चेन की आवाज़ है तो वो आपको आपको दूसरी साइड में यानी इस साइड में नहीं, स्पार्क प्लग की साइड में नहीं, जहाँ पे आपकी टाइमिंग चेन डलती है उस साइड में उसको आपको खिरखिर की आवाज़ आएगी या टिक टिक की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। तो जैसे डॉक्टर अगर स्टेथोस्कोप लगा लगा के चारों तरफ देखता है, ऐसे आपको स्क्रू ड्राइवर लगा लगा के देखना है कि आपको आवाज़ कहाँ से आ रही है। दूसरी बात, जो टाइमिंग चेन की आवाज़ एक तो वहाँ से आएगी, दूसरी साइड से आएगी, दूसरा ही आपकी टाइमिंग चेन की आवाज़ इस साइड से भी सुनाई दे सकती है। क्योंकि क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट में आपकी जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है उसमें टाइमिंग चेन लिपट रखी होती है, तो जो भी आपके टाइमिंग चेन में जो आवाज़ आएगी वो आपके क्रैंक शाफ्ट से होते हुए इस साइड से भी टच रहता है, ये वाला हिस्सा भी क्रैंक शाफ्ट में आपके टच रहता है, तो वो आवाज़ यहाँ पे भी आपको क्रैंक किरकिर की आवाज़ या टिक टिक की आवाज़ यहाँ पे भी सुनाई दे सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप अपनी गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी इस वीडियो को लाइक करके बताएं, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन या कमेंट या सुझाव हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।